कृष्णा बेटा आप कहाँ हैं? देखो आपके मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स का टाइम हो गया है, जल्दी से बाहर आ जाइए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो हमारा कृष्णा बेटा यहां पर छुपा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम बैठो। हाँ गुड बॉय, चलो जल्दी से अपना मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स खा लो। चलो खाओ ना। लगता है जब तक आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, ये लीजिए आपका चॉकलेट और ये आपका बॉल, लो। जब तक साहबजादे को सुबह का प्रसाद नहीं मिलता तब तक उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। सच कहते हैं कि सांसें रुक जाने के बाद जिंदगी नहीं रुकती। तुम्हारे जाने के बाद जीने की आदत तो डाल ली है मैंने, लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारी बहुत याद आती है। कभी कभी सोचता हूं कि अगर कृष्णा ना होता तो मैं किसके सहारे जीता। अब तो कृष्णा का चेहरा देखकर और तुम्हारी यादों के सहारे अपने दिन गुजार रहा हूं। इतना अपनापन जताने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुमने कृष्णा को इस्तेमाल करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अपने इस खतरनाक खेल में मेरे कृष्णा को मोहरा बनाने की बात अपने दिमाग में भी मत लो। हेलो, मैं महेश बोल रहा हूँ। याद आया, आपका खिदमतगार। तुम भूलने कहाँ देते, बार बार तो फोन कर देते। एक बात बताओ, जब तुम किसी काम को करने के लायक ही नहीं हो तो बार बार मुझे परेशान क्यों करते हो? इतने दिनों पहले तुम्हें पैसे दिए थे और कहा था कि उस अर्पिता का कोई रिश्तेदार है तो ढूंढ कर लो, लेकिन नहीं। बताओ, कोई काम हुआ तुमसे? कुछ बताया तुमने उसके रिश्तेदारों के बारे में? देखिए, आप इतना नाराज मत होइए, इस बार मैं आपको वही न्यूज दूंगा जो आप सुनना चाहती हैं। क्या? सच बताओ, तुम्हें अर्पिता के रिश्तेदार मिल गए क्या? दूर के रिश्ते में चचा चाची लगते हैं अर्पिता के। मैंने उन्हें खबर कर दी है कि उनकी भतीजी कहाँ है, वो दोनों कभी भी आपके घर पहुंच जाएंगे। शुक्रिया, काम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लो भाई, फ्रेश फ्रेश ब्रेड लेके आई हूँ। आज देखो खूब सारा मक्खन लगा के ब्रेड खाऊंगी, कितना दुबला हो गया।
तुम यहां सुहानी के साथ क्या कर रहे हो? एक बाप अपनी बच्ची के साथ क्यों है? तुम्हारा सवाल ही बेमायने है। नहीं, एक बाप जिसे अपने परिवार से दूर रहने की सजा सुनाई गई है, उसके लिए यह सवाल बिल्कुल बेमायने नहीं। लेकिन मैं सजा को नामंजूर करता हूं। अंतरिक्ष, तुमने ये सजा मंजूर की थी और ये तुम भी जानते हो कि ये सजा माफी के काबिल नहीं है। नहीं डैड, मुझे ये सजा कभी मंजूर नहीं थी। मुझसे ये सजा मंजूर करवाई गई थी, लेकिन आज मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। मेरी बच्ची बीमार है, फिर भी मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ऐसी सजा देने से तो अच्छा कि आप मुझे फांसी पर लटकवा दीजिए। ये सब क्या हो रहा है जीजा जी? क्या हम सब मिल बैठकर किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते? नहीं तितली, अगर इसे इस घर में रहना है तो इसे ये सजा भुगतनी ही होगी। और अगर मैं ये घर ही छोड़ दूं तो? जिस परिवार के लोगों के दिलों में मेरे लिए कोई जगह ना बची, मुझे उस घर में नहीं रहना। रुक जाओ अंतरिक्ष। मजाक अच्छा है, लेकिन मुझे यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। अंतरिक्ष, तुम शायद ये भूल रहे हो कि मेरी एक फोन कॉल से तुम जेल की सलाखों के पीछे हो गए। तुम्हारी जरूरत किसी को भी नहीं, ना तुम्हारी पत्नी को और ना ही तुम्हारी बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ये याद रखो कि तुम इस घर में किसी की दया और रहमो करम पर पल रहे हो। अगर इसे इस घर में रहना है तो इसे ये सजा भुगतनी ही होगी। भूल रहे हो कि मेरी एक फोन कॉल से तुम जेल की सलाखों के पीछे हो गए। करूं तो क्या करूं? मैं वैसे भी जीते जी तुम्हारे लिए, सुहानी के लिए क्या कर पा रहा हूं? कुछ भी तो नहीं। ऐसी जिंदगी से तो बहुत ही बेहतर है। अंतरिक्ष, नहीं, आप इस तरह हिम्मत मत छोड़िए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप निराश मत हो अंतरिक्ष, प्लीज। मैं निराश ना हो तो क्या करूं काजल? एक नाकाम बाप, एक नाकाम पति जीते जी भी क्या कर सकता? कुछ भी तो नहीं। ये रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक बार ही मर जाऊं मैं। नहीं 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 अंतरिक्ष, प्लीज मरने की बातें मत कीजिए। प्लीज, आपको मेरी कसम, आपको सुहाने की कसम, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा अंतरिक्ष। नहीं काजल, कुछ ठीक नहीं होगा। इस घर के लोग बेगानों का दुख देख सकते हैं, लेकिन अपनों का दुख, अपनों के आंसू नहीं देख सकते। सबके दिल पत्थर के हो गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बाप को अपनी बेटी से दूर रखा जाता है, एक बाप अपनी बेटी को गले नहीं लगा सकता।
जब मेरी सुहानी बीमार हुई थी तो मैं उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सका। मैं तुम्हारे लिए, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता काजल। मेरा जीना बेकार है, मेरा जीना बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा खाना, रोज नए नए पकवान खाओ। भगवान जाने किसी दिन तुम्हारी अच्छी किस्मत का ये दौर खत्म हो गया तो तुम्हें ये ऐशो आराम सब छोड़कर जाना पड़ गया तो। नहीं 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 नहीं, लो और खाओ, लो लो, अरे खाओ ना। गांव जाकर जब अपनी थाली में सूखी रोटी और दाल खाओगी तभी ऐशो आराम याद करके थोड़ा खुश हो लेना। हेलो 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 हेलो, एक मिनट एक मिनट, कितने बड़े अंधे पे हो। हेलो जी, किसकी डेथ कराने आए हो? कौन आप लोग? नमस्ते बहन, मैं गिरधारी प्रसाद हूँ और ये मेरी पत्नी रंजना है। नमस्ते। अर्पिता बिटिया, अर्पिता बिटिया हमारी भतीजी है। इनके पिताजी दूर के रिश्ते में हमारे भाई लगते हैं। बिटिया, अपनी चाची के गले नहीं लगोगी? चाचा जी, आप यहाँ क्या करो बेटा? घुटना तो पेट की तरफ मुड़ता है ना। रिश्ते चाहे दूर के हों या पास के हों, होते तो रिश्ते ही हैं। बेटा हमें तो पता ही नहीं चलता, अगर कुणाल के गांव का कोई आदमी हमारे गांव में ना आया होता और उसने बातों बातों में इतनी बड़ी बात न बताई होती कि यह हादसा हो गया। बेटा ये खबर सुनने के बाद तो हमसे रुका ही नहीं गया।
कान बांध, क्योंकि फाइनली तुम्हारा इस घर से जाने का वक्त आ गया है। अब तक हम तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए उठा रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि तुम्हारा तो कोई अपना है ही नहीं, लेकिन अब तो तुम्हारे अपने भी आ गए, इसलिए अब तुम्हारे वो चाचा चाची जाने या तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। थैंक गॉड। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? सही कह रही हूं, हम भी यहां से जाना चाहते हैं। अब आपको हमारा ये चेहरा फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ रहने से आपको जितनी भी तकलीफ हुई है, दुख हुआ है, उसके बदले में हम आपसे माफी मांगते हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, पर जब कृष्णा की याद आएगी ना तो हमें बहुत तकलीफ होगी। हमारा इतना बड़ा जुर्म हम अपने सर पे ले लिया, अब हमारे समझौते के मुताबिक हमारा काम हो जाना चाहिए।